स्थापना की है, अब तक सर कितना लाभ मिल चुका है अपने दलित शोषित वंचितों को? आज जो नौजवानों में आप अपने महापुरुषों के प्रति जो विश्वास देख रहे हैं और जो बिना किसी स्वार्थ के भीम आर्मी काम करती है, जहाँ भी जुन जाती है अत्याचार हो, देखो मैं अभी आगरा से लौटा हूँ, मैं भी आगरा से लौटते हुए एक गांव गया था, वहाँ भीम आर्मी की पाठशाला चल रही है। इस सरकार ने बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र शिक्षित बनो, उसको बहुत कुछ शिक्षा के आधार पर कमजोर कर दिया। भीम आर्मी बड़े पैमाने पे शिक्षा के प्रचार प्रसार कर रही है, पढ़ाने का पढ़ने का काम करती है। उसके अलावा अंधविश्वास पाखंडवाद जो इस देश को सबसे कमजोर हुआ, भाईचारा जो टूटा हुआ जातिवाद की वजह से, तो जातिवाद को नष्ट कर भाईचारा बनाने का प्रयास भीम आर्मी करती है। जो बहनों की कमजोर जो है, जब आपने सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि एक बहन जो पढ़ना चाहती है लेकिन पैसे कम कारण नहीं पढ़ पा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी भी एक तत्काल जो है ना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने। तो हमारा जो काम है, जो काम सरकार बनना चाहिए वो भीम आर्मी का, अब हमारा प्रयास है कि अब भीम आर्मी के लोगों को सरकार बना दें। जब ये सरकार बन जाएंगे तो फिर ये दुगनी तेजी से उस काम करेंगे जिसको सरकार बनना चाहिए। सर 2024 में जो सर AASP जो आजाद समाज पार्टी जैसे चुनाव लड़ेगी, तो सर क्या पृष्ठभूमि सर तैयार की है? अब 2024 बहुत दूर है, उससे पहले 2023 है। 2023 में भी हमें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के उनको रोक के अपनी हिस्सेदारी के साथ जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा अपने विधायकों को जिता के हम जनता के काम करना है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राजस्थान में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, छत्तीसगढ़ में, और सरकार इतनी डरी हुई है कि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वो एयरपोर्ट पर मुझे रोक देती है, यानी कि वहाँ काम बहुत तेजी से चल रहा है। 24 के बाद 24 में करेंगे, 23 में परिणाम देगा। आजाद समाज पार्टी ये दिखाएगी कि आजाद समाज पार्टी अब कोई नई पार्टी नहीं रही, आजाद समाज पार्टी ने अपने काम से भीम आर्मी काम से अपनी पहचान बनाई, जनता का विश्वास जीता। इस तरह से बसपा इस समय इस चुनाव में जीरो पे रही, तो क्या कारण मानते हैं उनकी हार का? ये तो बसपा के लोग बता सकते हैं। किस तरह मैं उनपे क्यों टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी अपनी विचारधारा अपनी रणनीति है, तो वो फेल हो रहे हैं। देखिए जब भी मूवमेंट अगर पीछे जाती है, यानी कि आप अयोग्यता को बढ़ावा दे रहे हैं, अब ये जनता को भी सोचना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, उसका नुकसान देश को उठाना पड़ा। सर टाइम मैगजीन में सर आपका प्रतिभाशाली सर लोगों में आपका नाम सर दर्शाया गया अपनी वार्षिक अनुसूची में, तो सर उस संदर्भ में सर आप एक स्कूल चला रहे हैं दलितों के लिए अपने उधर, तो सर क्या ऐसे स्कूल सर कहाँ कहाँ? एक स्कूल नहीं चला रहा हूँ, कितने सर देश में जहाँ बीमार हुई वहाँ हमारे बीमार पाठशालाएं चलती हैं, निःशुल्क है। उससे भी बड़ी बात, टाइम्स मैगजीन ने जो चैलेंज दिया है कि भारत के अंदर से मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसको उन्होंने उभरते हुए नेता के रूप में प्रदर्शित किया है, मैं उस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा।